चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारे महाराज जी ने जो ये प्रचेष्टा की है, जो ये चेष्टा की है गुरु जी की कृपा से, और आप सब लोगों ने भी जो ये चेष्टा की है, इसको हमको पुनः पुनः और अधिक परिमाण में वर्धित करना है। और ये जो आयोजन हमने किया है, हमारे परम गुरु जी एक बड़ी विशेष बात बोलते थे, हमारे गुरु जी के गुरु जी, वो कहते थे सब समय अनुष्ठान के आंतरिक उद्देश्य को लक्ष्य करना है, नहीं तो बाह्य अनुष्ठान का जो बाह्य आडंबर है ना, वो हमको निकल जाएगा। अब हमने इतना कुछ व्यवस्था की है, बड़ी सुंदर ये भागवत सप्ताह हुई, बहुत विशाल ये सम्मेलन हुआ, बड़े सारे लोग आए, यह सब कुछ तो आवश्यक है करने के लिए, किंतु उसका आंतरिक विचार क्या है? इस श्रीमद् भागवत को श्रवण कीर्तन करने का आंतरिक विचार क्या है? जो हमारे परम गुरु जी कह रहे, वो आंतरिक विचार है कि हमको श्रीमद् भागवत का जो सार है ब्रज भक्ति, वो ब्रज भक्ति प्राप्त करनी है, और ब्रज भक्ति में भी ब्रज गोपियों की भक्ति प्राप्त करनी है, ये इस भागवत को श्रवण कीर्तन करने का फल है। इन्हीं सब विचारों को हमारे गुरु महाराज जी पुनः 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 स्थापित करते थे। तो यहाँ आकर हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हमारे माधव प्रिय प्रभु बतला रहे थे कि बड़े दिनों के बाद हम सारे गुरु भाइयों का एक साथ में जो है सम्मेलन हुआ है, तो यहाँ पर बैठकर हम बस अपने गुरु जी के विचारों की चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों को भी लाभ है श्रवण कीर्तन करने में, और कीर्तन के साथ साथ श्रवण करने का भी सुयोग मिल रहा है। तो हमारी आप सबसे यही प्रार्थना है, सारे भक्तों से यही प्रार्थना है कि बार बार मिलकर ऐसे आयोजन किए जाएं, और गुरु महाराज जी के ने सब विचारों का पुनः पुनः श्रवण कीर्तन किया जाए। देखो वेदांत सूत्र में वेद व्यास जी ने जो वेदांत सूत्र लिखे, उसमें भी अंत में क्या बोल दिया, अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात, बार बार शब्द की अनावृत्ति करो। अनावृत्ति मतलब उसको बार बार दोहराओ। शब्द क्या है? भगवान के नाम रूप गुण लीला, यही शब्द है। इसका ही पुनः 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 हमको क्या करना है, इसको पुनः 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 दोहराना है। इसलिए आज ये भागवत कथा का विश्राम दिवस है, थोड़ा समय के लिए विश्राम है, अब फिर कल सुबह से फिर जुट जाना है, मठ का निर्माण करना है, और स्थायी रूप से इस श्रीमद् भागवत को श्रवण कीर्तन करने का हमको सुयोग प्राप्त करना है। वांछा कल्पतरो व्यस्य कृपा सिंधु भयेच्छा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अब तो सब थक ही गए होंगे, पक्की बात है, नहीं थके ना? थक गए, सच बोलो, फिर एक और कथा सुन लोगे? ठीक है फिर, प्रेमदास प्रभु जी आप तो बैठे रहो 12 बजे तक, हम तो छोड़ेंगे नहीं। प्रेमदास प्रभु ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाके चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो हलचल हो गई ना, मैं बोल रहा था थक गए, बोलते नहीं थके। तो दो जैसे महाराज जी बैठ जाइए, कह रहे हैं कि आरती दर्शन करके जाएंगे, ये हमारा बहुत सौभाग्य है, आज आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आप लोगों के कारण हम जैसे मुझ जैसे तुच्छ जीव को भी इतनी हरी कथा सुनने का अवसर प्रदान हुआ मिला। तो आप लोगों ने इतने धैर्य से सुबह भी और आज अभी भी हरी कथा का श्रवण किया, मैं केवल एक ही बात कहकर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा, ये कहकर कि हमने साधु कौन हैं, साधु संघ की क्या महिमा है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार हमें साधु संग कर गुरु चरणों का आश्रय लेकर भजन करना है और अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो एकमात्र साधन मुझ साधक को करना है वो है हरि नाम कीर्तन। कलयुग में जो हमारे गुरुवर्ग ने हमें कृपा करके बिल्कुल कोई योग्यता ना रहते हुए भी जो हमें एक वो हरि नाम जो इस संसार की वस्तु नहीं है, ये दिव्य नाम साक्षात गोलोक से इस धरा पर अवतरित हुआ है, ऐसे इस अनुपम गिफ्ट एक अनुपम वस्तु को हमारे गुरुवर्ग ने इतनी कृपा कर हम जैसे बिल्कुल जिनकी ना रुचि है ना कोई उसमें इंटरेस्ट है ना उसमें कोई योग्यता है, ऐसी एक अनुपम मणि को इतने सहज रूप से मात्र उनके समक्ष उपस्थित होकर उनके सामने नतमस्तक होने मात्र की योग्यता देखते हुए उन्होंने वो हरि नाम हम जीवों को प्रदान किया और
उस हरि नाम के सतत कीर्तन मात्र से कलयुग में हम मनुष्यों का, इस जीव का जो जीवन का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति संभव है। तो एकमात्र सेंटेंस और एक वचन में कि एक हम गुरु हर के चरणों को पकड़कर उस हरि नाम का आश्रय लेकर निरंतर आज हम जब यहाँ से जाएं तो ये हम गांठ बांध कर जाएं कि ये जो हमने इतना संत महात्माओं से हमने कथा सुनी उसका सार रूप हरि नाम को अपने साथ अपने हृदय में अपनी संपत्ति लेके जाएं, घर में जाएं, कोई पूछे आप कहाँ गए थे क्या लेकर आए, हम गुरुवर के मुख से हरि नाम साधु संघ का महात्म्य सुनकर आए, अब और कुछ छूट जाए बस हरि नाम को नहीं छोड़ेंगे। तो ये हरि नाम जो हमारे गुरुवर हमें इतने सहज रूप से दे देते हैं, अभी हो सकता है कि उसका हमें मूल्य उसके हमें जो उसमें गुण है अनुभव ना हो, लेकिन क्योंकि हम रोगग्रस्त हैं जिस तरह पीलिया के रोग रोगी को मीठा कड़वा लगता है उसी प्रकार खाते खाते हरिनाम करते